लाइट हाउस और वॉच टावर का यूज क्या होता है ना, वो हार्दिक भाई बोलेगा। क्या? हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज हम बहुत ही प्यारी जगह पे आए हैं, वलसाड़ में। ये जगह का नाम है लाइट हाउस। अभी हम जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पे प्राइस लिखी है और यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप दो तरीके से जा सकते, एक लिफ्ट से और दूसरी है सीढ़ियों से। और सीढ़ियाँ यहाँ पे बहुत सारी है। गाइस ये देखो, 8 मंजिल है, 8 मंजिल बहुत ही ऊपर है। Few moments later. से व्यू इतना प्यारा दिख रहा है ना, बहुत सारी बोटें यहाँ पे सामने आप देख सकते हो। कुछ बोटें तो यहाँ पे भी रखी है। यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं पर वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, कुछ परमिशन नहीं है। वॉच टावर का यूज क्या होता है ना, वो हार्दिक भाई बोलेगा। क्या? 2 hours later शिप के लिए होता है, उसको नेविगेट करने के लिए। स्टार्ट करो। तेरे को समझ आया? नहीं, ये वाली आप नदी जो देख रहे हैं ना, वो औरंगा नदी है। और ये वाली है ना, वो वाकी नदी है। और ये रहा पूरा वलसाड़ सिटी। एक सामने आप देख रहे हैं ना, अगर आप सीढ़ियों से आओगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको प्रीफर करता हूँ आप लिफ्ट से ही आओ। गाइस जरा व्यू देखो, कितना प्यारा लग रहा है। गाइस अगर आप लाइट हाउस देखने के लिए आते हो ना, तो यहाँ पे है ना लिफ्ट से ही जाना। अगर आप सीढ़ियों से जाओगे ना तो आपके पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा। और यहाँ पे पीछे है लाइट हाउस और ठीक सामने है गार्डन बच्चों के खेलने के लिए। गाइस यहाँ का गार्डन बहुत ही मस्त है और देखो हरी भरी घास। यहाँ पे आप है ना सो भी सकते हो। हार्दिक आजा। गाइस इसमें तो कुछ छुपा होगा ना तो भी मालूम नहीं पड़ेगा, इतनी बड़ी बड़ी ग्रास है। और यहाँ पे चिल्ड्रन एरिया। हम लाइट हाउस देख के आ चुके हैं और यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब है। गाइस रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि हार्दिक को यहाँ पे भेज दूँ काम करने के लिए। रोड देखे, कितनी खराब रोड है हाईवे की। हार्दिक गिन ले भाई, टायर कितने हैं? पता नहीं, मेरे लिए हार्दिक की गिनती बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई। तेरे से अच्छी है। पार्सल आ गया भाई। वाह गाइस, डेकोरेशन का सामान आ गया है और ये इस्तेमाल करेंगे हम थोड़े दिनों के बाद। वाह मस्त है ना, कितने हैं गिन लेना भाई जरा। इतना टाइम नहीं है तेरी जरा मेरे पास। गाइस हार्दिक के लिए एक मैं चीज लाया हूँ, ये देखो। क्यों, तू शादी करने वाला है? मेरी शादी की सबको कितनी जल्दी है, अभी बहुत टाइम है शादी में। सबसे पहले मैं तेरी कराऊंगा। तो मैं ये पहन के करूंगा कि तू मेरी शादी में पहन के आएगा। गाइस हार्दिक है ना शादी में तो सारी पहनेगा। क्या बात, इस बार का डेकोरेशन हार्दिक को काफी ज्यादा पसंद आ गया है। तो अभी तक किया भी नहीं है, कैसे पसंद आ गया है? कुछ भी मैंने दिखाया तो सही ना तेरे को, बोल तू हेल्प करेगा ना डेकोरेशन बनाने में भाई? आपको, मैं आपको नहीं जानता। पहली फुर्सत में निकल। इसमें क्या है? ला दिखाता हूँ। कैसे पहनते हैं फिर? इस बार का डेकोरेशन में हम करने वाले हैं, कौन सा कलर यूज करेंगे हार्दिक? पिंक। पिंक नहीं करेंगे, फेवरेट कलर। एक तो मैंने सोच लिया है कि रेड अच्छा लगेगा, रेड के साथ दूसरा कौन सा करेंगे? व्हाइट। व्हाइट भी नहीं कर सकते। सुन बोलो हार्दिक, बोलना हम काले हैं तो क्या दिल वाले हैं, बोलना। मेरे को नहीं बोलना हार्दिक, बहुत ही ज्यादा सरल हो गया। सॉन्ग अच्छे गा रहा है, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हार्दिक। तो गाइस अभी आए हैं शॉप में क्योंकि हार्दिक को चाहिए बारबी डॉल। अबे साले, ओह माय गॉड गाइस, ये तो इवनिंग हो गई है, अभी आ गए हैं वॉक करने के लिए क्योंकि इसका वेट थोड़ा बढ़ गया, इसलिए कम करना है थोड़ा। मेरे से पतला है भाई, मेरा वेट कम है तेरा ज्यादा है। मेरा 45 है। गाइस अभी है ना एक गणपति जी लेके जा रहे हैं और बहुत ही बढ़िया है मूर्ति, बहुत दूर है। गाइस देखिए सामने ही है गणपति जी, क्राउड देखिए क्राउड। दुकान पे चला गया। गाइस आज जिस जगह पे हम गए थे ना लाइट हाउस, वहाँ पे आप इवनिंग में जाना 4 से 5:30 बजे, तभी आपको जाने देंगे। अदरवाइज आप मॉर्निंग में जाओगे या आफ्टरनून में जाओगे ना तो आपको नहीं जाने देंगे। इस व्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। आप एक बोट गई है देखो, वो रही।
और वेव्स देखो कितने प्यारे हैं।